नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और देखिए, आज सुबह से जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब अच्छी हैं बाजार के लिहाज से, चाहे वो टाटा स्टील, चाहे वो एलएनटी, चाहे वो मिल के नतीजे हों। कल एफआईएस की अप्रोच में सब्सटेंशियल एक बहुत बड़ा बदलाव हो, पर अब से कुछ देर पहले जिस स्टेटमेंट को हमने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मुँह से कि जीएसटी इस बार पास हो जाएगा, अगला दिन मिहिर कुल मिला के ओवरऑल अच्छा है। मॉर्निंग बिल्कुल दो दिन से अच्छी मॉर्निंग हो रही है, क्लोजिंग भी अच्छी हो रही है, तो उम्मीद यही करते हैं कि संकेत अच्छा रहे। लेकिन अब अभी आ रहे हैं इंडिकेटिव टेक्स, अभी देखते हैं किस तरह के आते हैं। लेकिन एसजेक्स निफ्टी पर हमने देखा स्ट्रेंथ देखने को मिली, और आज क्यूज जिस तरह के हैं फिर से एक बार उम्मीद बनी हुई है कि अच्छे संकेतों के साथ इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। खुला है मार्केट, सबसे पहला टिक चलिए देख लेते हैं कहाँ पर आया है। तो एलएनटी 9% ऊपर इंडिकेटिव, लग रहा है पूरे साल की जो वो है ना, कसर निकाल देगा एक ही सेशन में। गएगा बहुत दिन से चला नहीं था, चलता हूँ। थोड़ा सा बारीकी से और देख लेते हैं नेगेटिव एक्शन को। बीएचएल आपके स्क्रीन पर आप देखें, एलएनटी के नतीजों के बावजूद यहाँ पर ठंडक है थोड़ी सी। बीपी से लगभग 1 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद गेल को आप देखिए 37 रुपए ऊपर। तो देखिए जरा टाटा स्टील दिखाइए प्लीज एक बार, एक्जैक्टली टाटा स्टील क्या कर रहा है। टाटा स्टील आपके स्क्रीन पर आएगा कुछ देर में। और देखिए रुपया फ्लैट खुला है बिल्कुल, टाटा स्टील आपके स्क्रीन पर ये फ्लैट है। हालांकि देखिए ये मत सोचेगा कि बहुत कुछ खराब किया इसने, परिस्थिति देखिए, परिस्थिति में ये क्या कर सकता था इंडियन ऑपरेशंस को लेकर वो इसने किया है। रुपये बिल्कुल फ्लैट खुला है, हार्डली अगर आप देखें 1 पैसे का आप देखें अंतर है। तो डॉलर अच्छा, रुपया अच्छा, टाटा स्टील थोड़ा सा फ्लैट है। लेकिन अगर आप एलएनटी को देखें, शानदार ओपनिंग, आई मीन इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी। आई थिंक मैं एलएनटी पर एक चीज़ तो कहना भूल ही गया, जरा प्लीज़ जरा एक बार एलएनटी के चार्ट पे आइएगा। एलएनटी क्या प्राइस है आपके स्क्रीन पे? 1334 का प्राइस है। एक चीज़ मैं इनफेक्ट थोड़ा सा निकाल लूँ फिर बात करूँगा। एलएनटी का 1334 का प्राइस क्या कह रहा है ये चार्ट के लिए एक बार देखता हूँ, बस वो बात करता हूँ। नहीं, 1334 का मतलब है कि ये CY16 के नए हाइस पे खुलेगा, 5 महीने के नए हाइस पे खुलेगा एलएनटी अगर इस प्राइस पे खुलता है 1340 के प्राइस पर। खैर, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली टॉपिक को चेंज करके जरा नंबर्स के ऊपर, फ्रेश डेवलपमेंट्स के ऊपर, हाउस व्यूज क्या हैं उन पर बात करता हूँ। चलो हमारे साथ हैं, चल बताइए। आप नतीजों की बात कर रहे थे, हाउस व्यूज भी नतीजों पर ही हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के रिजल्ट के ऊपर HSBC ने राय रखी है, होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 290 रुपये का। डेफिनेटली उनका मानना है, मैनेजमेंट ने जो वॉल्यूम कमेंट्री दी है वो काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन जब तक यूके कारोबार पूरी तरह से अब बैलेंस शीट से नहीं हट जाता है तब तक होल्ड की रेटिंग रख रहे हैं। उनका मानना है शायद कुछ और प्रेशर 1 से 2 क्वार्टर में आ सकता है, एक बार यूके कारोबार हट जाए तो जो कोर कारोबार है वो एक्सपैंड करता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर क्रेडिट स्विस ने एलएनटी के ऊपर नई रिपोर्ट जारी की, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट को बढ़ाया है, 1425 से बढ़ा के अब 1650 है। शानदार नतीजे पेश किए कंपनी ने और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा शेयर प्राइस में आता हुआ दिखेगा। ऑर्डर इनफ्लो इंप्रूव हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ, और ये दोनों ही बड़े ट्रिगर रहेंगे एलएनटी के लिए आगे आने वाले दिनों में। जेफरीज ने इन्फो एच के ऊपर अपनी खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य दे रहे 960 रुपये का। नतीजे ठीक रहे थे, 99 एकर्स की तरफ से जो दबाव है वो अभी चिंता का विषय है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बाकी वर्टिकल्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ से एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी की जा रही है। डॉयचे बैंक ने गेल के ऊपर अपनी बिकवाली की सलाह दी और जो टारगेट दिया है वो 8% बढ़ा के 320 किया है। देखिए नतीजे अच्छे थे, जो गैस वॉल्यूम्स थे, गैस रिलाइजेशन थी वो इंप्रूव हुई थी, मार्जिन इंप्रूव हुए थे, सभी ट्रिगर्स अच्छे हैं, लेकिन बिकवाली की सलाह सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि डॉयचे बैंक का मानना है नतीजों के रनअप में शेयर काफ़ी चल चुका है और अभी यहाँ से थोड़ा प्रेशर आ सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है। और लास्टली नोम्यूरा ने अशोक लेलैंड के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 92 का दे रहे हैं। ओवरऑल उनका मानना है FY16 के अंदर जो 580 करोड़ का राइट ऑफ किया है वो चिंता का विषय है और देखना होगा ये वापस से रिपीट ना हो, क्योंकि इसी राइट ऑफ की वजह से कंपनी के रिजल्ट्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, चलिए इस बीच आज सुबह हमने जो कॉल्स दी थी वो एक बार देख लेते हैं, फास्ट मनी कॉल्स। पहला स्टॉक है डेल्टा कॉप, जिस पे आप तेजी बनाएं आज के लिए 85 का टारगेट, कल बद्रू पार, रिलायंस इंफ्रा, दोनों ही स्टॉक्स पे तेजी बना सकते हैं। इनफैक्ट रिलायंस इंफ्रा शॉर्ट स्क्वीजिंग जोरदार हो सकती है आज के सत्र में। इसके अलावा NIIT आज का EPS शेयर चुना गया, इंफोसिस पे दाव लगाएं, इंफोसिस TCS HCL टेक का लेटर हाफ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बॉम्बे बर्मा और SML इत्सुजू, इन तीनों ही स्टॉक्स को चुनेंगे तो तेजी के स्टॉक्स चुने आप। साथ साथ टाटा केमिकल पे आज 442 का टारगेट है, एंड स्विफ्ट लैब्स आज का सुपर हिट शेयर 42 का टारगेट, 37.5 का स्टॉप लॉस।
10 के 10 खदाई के ट्रेड्स आप मैंने आपको बताए थे, एलएनटी, टाटा स्टील और गेल, तीन दिग्गज इनके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और नंबर्स अच्छे रहे, बाजार अनुमान से बेटर हैं, उसके दम पर आज आप तेजी करके चल सकते हैं। एमसीएक्स को मैंने बताया ईपीएस उतारा था, ऑप्शंस की मंजूरी ट्रेडिंग कमोडिटीज मार्केट में मिल सकती है, उसका फायदा एमसीएक्स में देखने को मिलेगा। और एनएससी बीएससी पर अगर कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू होती है तो आईएफसी में उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 24-10 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अपार इंडस्ट्रीज के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं, इसका फायदा आज देखने को मिलेगा। अदानी पावर अपने प्रमोटर्स को वारंट जारी किए हैं 14% प्रीमियम पे, तेजी कर सकते हैं उसके दम पे। टाटा स्पंज, टाटा स्टील के नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, उसका रिफ्लेक्शन टाटा स्पंज में भी देखने को मिलेगा। और दो तेल का शेयरों की कंपनियां डॉल्फिन ऑफशोर और सुपरेट के तौर पर उतारा है। 2016 की ऊंचाई पे क्रूड है, $50 का लेवल पार किया है, उसका रिफ्लेक्शन आज देखने को मिलेगा। सुपरेट ऑयल कटेड ट्यूबलर में 30 रुपए 10 पैसे का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं।